आगे चलें और कुछ बीमारियों की बात करें, आंखों की बीमारी जैसे आंखों में कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों में काला मोतिया हो सकता है, ग्लूकोमा जिसको कहते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट, आंखों का पर्दा खींच जाता है, आंखों से रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, डे ब्लाइंडनेस कहते हैं, ऐसी आंखों की जितनी बीमारियां आप जानते हैं सबकी, ताजा गाय का मूत्र एक एक बूंद आंख में डालो। सवेरे सवेरे गाय जो पहला मूत्र देती है ना, वो वाला एक एक बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छे से आंखें ठीक होती है। और ऐसी कई आंखों की बीमारी ठीक होती है जो कभी ठीक होती नहीं, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट एक बीमारी है, ये जल्दी ठीक नहीं होती, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ठीक नहीं, लेकिन गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक है। वो जो ड्रॉपर आता है ना, वो ड्रॉपर से गाय मूत्र भर के एक एक बूंद आंख में डाल, बहुत अच्छा है। और यही गोमूत्र जो है ना कान में डालो, कान की बीमारी ठीक कर देता है। जैसे कान में किसी को सुनाई कम देता है तो उसको कहो गोमूत्र डाले। किसी किसी को कान में हर समय आवाज आती रहती है, ऐसे हम ऐसे आवाज आती है, वो हमिंग साउंड की बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, कान में डालो ठीक। कान में जितना दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, एक बूंद गोमूत्र डालो, एक मिनट में ही दर्द बंद हो जाए, ताजा ताजा। कान में किसी के मवाद निकलता है, कई बार हमने देखा छोटे बच्चे के कान बहते रहते हैं, गोमूत्र डालो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कान बहुत अच्छी दवा है ये गोमूत्र। बस सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, और देशी गाय का